हेन में स्क्रब समझ जाने में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास रेडमी से होने और यहाँ पर हमें जो न्यू अपडेट मिल चुका है रेडमी से होने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ओल्ड अपडेट था वो था 12.0.2.0 और यहाँ पर ओल्ड सिक्योरिटी पैच लेवल थी जो थी 1st मार्च की। अरे अब यहाँ पर हमें 4.33 का एक न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है जो है 12.0.3.0 और यहाँ पर हमें व्हाट्सएप में कुछ ये दो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मैन्युअली इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर अपडेट जो मुझे बाद में रिसीव हुआ मैंने इसकी जिप फाइल जो है मैन्युअली इंस्टॉल डाउनलोड कर ली थी। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ये जिप फाइल 433 MB की है। तो चलिए मैं इसे मैन्युअली इंस्टॉल करता हूँ। तो सबसे पहले इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चूज अपडेट पैकेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो फाइल डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने फाइल डाउनलोड की है 454 MB की ये फाइल है जिप फाइल, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर नीचे ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर रिवर्टिंग इन्फो आ चुका है तो इसे 100% होने दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट रिबूट एंड अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर रिबूट एंड अपडेट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर डिक्रिप्टिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसे भी 100% तक होने दीजिए। इसके बाद आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली अपडेट इंस्टॉल कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन जो है वो रिस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अपडेट जो इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि रेडमी से होने की यूजर्स को बहुत दिक्कत आ रही है जब वो किसी भी अपडेट को मैन्युअली या ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोडिंग होते हैं बूट मेन्यू में अपडेट इंस्टॉल करते समय जो परसेंटेज शो होते हैं वहाँ पर स्मार्टफोन जो अटक जाता है, स्टक हो जाता है। तो उसके लिए आप और आप अपडेट इंस्टॉल करते समय बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रनिंग में मत छोड़िए और बैटरी परसेंट जो मेक श्योर करिए कि 50% से ऊपर हो। अगर आपका स्मार्टफोन अपडेट करते समय अटक गया या स्टक हो चुका या बार बार लूप में रिस्टार्ट हो रहा है तो आपको इसे डायरेक्ट सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा या तो फिर आपको इसे फैक्ट्री मोड में इसे रिसेट करना होगा। उसमें आपका डिवाइस का सभी जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप मेक श्योर करें कि इसका आप अच्छे से बैकअप ले लीजिए या फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है फोटोज है उसका भी आप बैकअप ले लीजिए। तो यहाँ पर अपडेट जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल होने में लगभग आधा घंटा लग गया, 30 मिनट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 12.0.3.0। तो चलिए देखते हैं हमें इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगर हम अबाउट फोन में जाके व्हाट्स न्यू में देखें तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट में जो है MIUI 12 वर्जन 12.0.3.0 जो रेडमी से होने के लिए MIUI 12 का 3rd अपडेट है। यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइज्ड इंक्रीज सिस्टम स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है और साथ में यहाँ पर जो लैग है उसे भी कम कर दिया गया है, उसे हम देखेंगे। और यहाँ पर हमें सिक्योरिटी पैच लेवल जो इंक्रीज हुई देखने को मिल जाती है जो यहाँ पर हमें पहले जो 1st मार्च की देखने को मिली थी लेकिन अब हमें यहाँ पर 1st मई की देखने को मिल जाती है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में हमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट कुछ नहीं मिला है, आगे देखेंगे कुछ मिला तो उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल पर सेट कर दो और यहाँ पर हमें कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर हमें जो कुछ सिस्टम ऐप्स है उसकी अपडेट देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिस्टम लॉन्चर, क्लॉक, थीम्स और डाउनलोड बहुत सारे ऐप्स की जो अपडेट हो देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो इसे अपडेट कर सकते हैं, सिस्टम लॉन्चर की भी अपडेट आ चुकी है। तो ओवरऑल इस अपडेट में हमें जो चेंजेस है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम UI में जो जर्किनेस थी वो पूरी तरह से कम कर दी गई है जो आपको डे टू डे यूजेस में मालूम चल जाएंगे। तो यही कुछ चेंजेस थे, अगर मेरे से कुछ चेंजेस छूट गए होंगे तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ऐसे न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।